दुनिया का एक ऐसा सम्राट जिससे सभी देशों के सम्राट थर थर कांपते थे, जिसने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था, जो अपनी संगठन शक्ति बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात था। उस सम्राट का नाम चंगेज खां था, जिसका जन्म सन 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे हुआ था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुचिन था। चंगेज के पिता येसुजेई थे, जो कि कियात कबीले के मुखिया थे। मंगोलिया के लोग चंगेज खां का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। चंगेज खां के 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी। चंगेज खां को एक ऐसी शख्सियत के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी तलवार की दम पर समूचे एशिया को ही जीत लिया था। विश्व इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे भयानक और खूनी सदी रही होगी। यह वह सदी थी जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर रूस तक और फिर बगदाद से लेकर पोलैंड तक बरपा था। चंगेज खान जब मात्र 11 बरस का था, तभी उसके पिता को कबीले के दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। तब चंगेज खान समझ गया कि अगर उसे और उसकी माँ को जिंदा रहना है तो बाकी की मंगोल खानाबदोश जातियों से गठजोड़ करने होंगे। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था, जिसका मतलब था कि उसके हाथों बहुत से लोगों का खून होना है। जब चंगेज खान सिर्फ 12 वर्ष का था तो उसकी शादी बोरते नाम की कन्या से कर दिया गया। जब मेरकित जनजात के लोगों ने चंगेज खां की पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया तो अपने दोस्त बोगू रचू के साथ मिलकर जमकुआ और केरियत नाम की जनजातियों की मदद से मेरकित जनजातियों के लोगों से अपनी पत्नी को छुड़वा लिया। चंगेज खां का बड़ा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। शुरू में तो वह चंगेज खां का मित्र था, लेकिन बाद में अपने भाई की प्रतिभा को देखकर वह उसका दुश्मन बन गया। जब चंगेज खां जवान हो गया तब उसने कई जनजातियों को इकट्ठा किया और तरतारों का विनाश कर अपने पिता की मौत का बदला लिया। अब चंगेज खां अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया। चंगेज खां की बढ़ती ताकत को देखकर जमकुआ और केरियत उसके दुश्मन बन गए। फिर चंगेज खां ने इन दोनों जनजातियों के सरदारों को मार डाला। फिर 1206 में मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया। अब तंबुओं में रहने वाली सारी जनजातियां एक ताकत के साये तले आ गई। उस साल ओनोन नदी के किनारे सफेद झंडे को लहराया गया। अब चंगेज खां अगल बगल के कबीले पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। चंगेज के घोड़े पूरे एशिया और यूरोप के ज्यादातर भाग को रौंद रहे थे। सबसे पहले वह मंगोल के पूर्व में गया, जहां उनसे चीन के किन साम्राज्य को खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया को जीत लिया। दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई युद्धों में मदद की थी, उस साम्राज्य को भी उसने नहीं छोड़ा, उसको तहस नहस कर डाला। बाद में चंगेज खान ने तिब्बत के तंगुतों को भी हरा दिया। मंगोलिया के पश्चिम में उस वक्त काराखितई नाम का एक राज्य चंगेज खान के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा था, लिहाजा उसने पश्चिम का रुख किया और राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने ख्वारिज्म की ओर रुख किया और अपने कुछ जासूस ख्वारिज्म के राजा मोहम्मद शाह के दरबार में भेजे। ये सभी रेशम मार्ग से साम्राज्य में प्रवेश किए। जब उस राज्य के गवर्नर को शक हुआ तो उसने जासूस व्यापारियों की हत्या करके उनका धन लूट लिया। जब चंगेज खां को यह मालूम हुआ तो उसने गुस्से में अपने राजदूत को शाह के पास भेजा और कहा कि अपने गवर्नर को उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन शाह ने उस राजदूत का सर काट कर चंगेज खां को भिजवा दिया। अब चंगेज खां ने गुस्से में एकदम भड़क गया। चंगेज खां उत्तर की तरफ से हमला बोलकर ओत्रात के गवर्नर को मार डाला। लेकिन चंगेज खां का बदला यहीं पूरा नहीं हुआ, उसने दोबारा हमला कर शाह की हत्या कर दी, उसके साम्राज्य को जड़ से मिटा दिया, वहां की सभी जनता को मौत के घाट उतार दिया। यहीं से चंगेज खां को शैतान का औलाद कहा जाने लगा। चंगेज खां जहां भी गया वहां उसने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया कि बाद में राजा उसके खिलाफ सिर नहीं उठा सकते। वह खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था और उसे शहरों और उनकी जिंदगियों से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उसने शहर के शहर तबाह कर डाले। चंगेज खां कुत्तों से बहुत डरता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खां की सेना ने निशापुर में कुत्ते और बिल्लियों तक को भी मरवा डाला था। चंगेज खां किसी धर्म को नहीं मानता था। वह खान भले लिखता था लेकिन वह मुस्लिम नहीं था। इस क्रूर योद्धा ने अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और वर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खां के हमले में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उसने अपने विजय अभियान के बाद धरती की 22% जमीन पर अपना अधिकार जमा लिया। चंगेज खां के पुत्र 1227 में
पश्चिमी जिया को जीतने के बाद हो गई, लेकिन उसकी लाश को कहां दफनाया गया या एक राज बन गया, क्योंकि जो सैनिक उसकी लाश को दफनाने गए थे उन सब की हत्या करवा दी गई ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले कि उसकी कब्र कहां है। जिस दिन चंगेज खां की मृत्यु हुई सभी ने चैन की सांस ली। तो यह थी चंगेज खां की जीवन गाथा और उसकी बर्बरता। दोस्तों, चंगेज खां कैसा राजा था, फिर क्या ऐसा राजा होना चाहिए था, फिर इन राजाओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, हमें अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।